कौन से वो मुस्लिम देश है जहां अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उत्साह देखने को मिल रहा है? दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश राम के रंग में रंग चुका है। भारत देश के हर एक गांव और शहर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। लेकिन आपको बता दे, केवल भारत राष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व राम नाम से गूंज उठा है, और दुनिया में ऐसे भी कुछ मुस्लिम देश है जो अब राममय हो चुके हैं। तो भारत के अलावा ऐसे कौन से मुस्लिम देश है जहां अयोध्या का राम रंग सर चढ़कर बोल रहा है? क्या विदेशों में भी भगवान राम की पूजा अर्चना होती है? सब कुछ जानेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले, अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी में भगवान राम के बाल अवतार राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना तय है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसका इंतजार सभी सनातनी लोग बड़ी उमंग के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये उत्साह भारतवासियों के साथ साथ अब तो विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे मुस्लिम बाहुल्य देश भी है जिनको अयोध्या में बन रहे दिव्य अलौकिक राम मंदिर का उत्साह और खुशी है। 2024 के जनवरी माह की 22 तारीख को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और आपको बता दे कि कई दशकों से चले संघर्ष के बाद अब जाकर यह शुभ घड़ी आई है, और ऐसे में भारत के पड़ोसी देशों और विदेशों से भी बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अब तो विदेशों में भी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे खबर आ रही है अमेरिका से, जहां के अमेरिकन हिंदू विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का जश्न मनाने के लिए 16 दिसंबर को अमेरिका के मैरीलैंड वाशिंगटन में स्थित राम मंदिर श्री भक्त अंजनेया टेम्पल के सामने से मिनी कार और बाइक रैली निकाली गई। द इकोनॉमिक टाइम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह रैली अयोध्या वे के नाम से बनी स्ट्रीट पर निकाली गई, जहां अलग अलग उम्र के 500 से ज्यादा बाइक सवार राम भक्तों ने भगवा झंडा हाथ में लेकर रैली समारोह में भाग लिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सनातन धर्म को मानने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रभु श्री राम का प्रभाव अब विदेशी सरजमीन पर भी देखने को मिलता है, और इसी कारण से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राष्ट्रीय समारोह ना होते हुए एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो चुका है। शायद यही कारण है कि विदेशी भूमि पर भी ऑटोमोबाइल रैली और राम रथ यात्रा निकाली जा रही है। चलिए इसी कड़ी में आगे बात करते हैं भारत के सबसे पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल की, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर उद्घाटन से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपका बता दे कि मान्यता के अनुसार माता सीता को नेपाल की बेटी कहा जाता है, इस हिसाब से नेपाल देश प्रभु श्री राम का ससुराल हुआ। नेपाल से घरवास के रूप में नए कपड़े आभूषण सहित कई सारी भेंट उपहार सामग्री अयोध्या में प्राप्त हुई है। इसके अलावा नेपाल से अयोध्या के लिए दो विशाल शालिग्राम पत्थर भी भेजे गए हैं, जिनको अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में बसे भगवान राम के भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा के इस महत्वपूर्ण अवसर को अनूठे ढंग से मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में इंडिया टाइम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी को हो रहे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यही नहीं, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कई मंदिरों में इस पर्व को पूरे जश्न के साथ मनाया जाएगा, साथ ही मंदिरों में प्रार्थनाएं भी की जाएंगी। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और शिकागो जैसे कई शहरों में विशालकाय रैलियां आयोजित की जा रही हैं। चलिए अब जानते हैं पेरिस में निकाली जा रही राम रथ यात्रा के बारे में। पेरिस के एक निवासी अविनाश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस राम रथ यात्रा के बारे में जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2024 को फ्रांस में रहने वाले इंडियंस पूरे पेरिस में राम रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन के इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए यूरोप के आइफिल टावर पर एक बड़े पैमाने पर उत्सव आयोजन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विश्व हिंदू परिषद के अनुसार पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में प्राण प्रतिष्ठा के पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अकेला देश नहीं है जहां राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरिशस के
लगभग 300 से ज्यादा स्थानों पर राम मंदिर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस लाइव प्रसारण में हवन, पूजन, हनुमान चालीसा मंत्र जाप और मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का यह समारोह वाकई में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 500 साल से ज्यादा चले संघर्ष के बाद अब सनातनियों का सपना साकार होते नजर आ रहा है। दोस्तों, मॉरिशस, जहां 52% हिंदू लोग निवास करते हैं, ऐसे में मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक स्पेशल लीव का अनाउंसमेंट किया है। जी हां दोस्तों, मॉरिशस सरकार ने हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे के लिए प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा जर्मनी की एक युवा सिंगर कसांड्रा अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने राम आएंगे गीत को बखूबी गाया है और बताया जा रहा है कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। और बता दें कि कसांड्रा एक डिसेबल व्यक्ति है जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। चलिए अब चर्चा करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया की, जहां मेजॉरिटी 87% पॉपुलेशन मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वहीं मात्र 1.7% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी बड़े उत्साह और चाव के साथ इस देश में हिंदू भगवान की आराधना की जाती है। इंडोनेशिया के बाली इलाके में आपको रामायण से जुड़ी हुई विशाल प्रतिमाएं देखने को मिल जाती है, जैसे गरुड़, जटायु, भगवान राम, महाबली हनुमान और प्रभु श्री राम की वानर सेना, जो पत्थर उठाकर राम सेतु का निर्माण करते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। रामायण के इंडोनेशियन वजन को काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसे पुरानी जावानीज भाषा में लिखा गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में 10 मीटर बड़ी भगवान राम की मूर्ति है, जिसे टिटिबंडा प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को 18 अलग अलग रूपों में रामलीला का आयोजन करने का निर्देश दिया है। रामोत्सव में देसी कलाकारों के साथ साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी रामलीला का मंचन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया के रामलीला कलाकार उपस्थित होंगे। चलिए अब जानते हैं कि थाईलैंड देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कैसा उत्साह है। आपको बता दें कि थाईलैंड में मशहूर रामायण के थाई वर्जन को रामकीन के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में भी भारत देश जैसा दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे लॉय क्रथोंग यानी थाई फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। थाईलैंड से भी भारत के अयोध्या में राम मंदिर में राम दर्शन हेतु कई लोग पधारे। तो दोस्तों, देखा आपने सनातन धर्म का प्रभाव और प्रभु श्री राम की महिमा। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।